जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस और जनपद एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध शस्त्र और हथियार बनाने में इस्तेमाल उपकरणों को बरामद किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वाहिद उर्फ इल्लो पुत्र मोहम्मद अली और शाकिब पुत्र अनुवार निवासीगण नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 अवैध देशी पिस्तौल, 3 अवैध रिवॉल्वर, 2 अर्धनिर्मित देशी पिस्टल, 10 मैगजीन, 10 अवैध तमंचे, 1 अवैध बंदूक, 2 अवैध अर्धनिर्मित देशी बंदूक की बट, अवैध देशी बंदूक की नाल 2-in-1, 1 अवैध पिस्टल की नाल, 1 अवैध बंदूक की लकड़ी की चिप, 10 अवैध 315 बोर अर्धनिर्मित नाल, 12 अवैध अर्धनिर्मित नाल 12 बोर, 10 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए लगातार हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलाह एवं अवैध असलाह के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में हमारी जनपदीय एसओजी टीम एवं थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में, जैसा आप देख सकते हैं, अवैध असलाह जो निर्मित किए गए हैं वो बरामद किए गए हैं। इसमें लगभग 6 अवैध पिस्टल है, 10 कंट्री मेड पिस्टल्स है, 1 पोनिया है, 3 रिवॉल्वर है, बंदूक है, 2 अधबने पिस्टल है। टोटल लगभग 23 अवैध असलाह बरामद हुए हैं और साथ साथ अवैध असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये जो अपराधी हैं, ये मेरठ और दिल्ली NCR अलग अलग इलाकों में ये लोग पिस्टल और ये अवैध असलाह सप्लाई करते हैं। एक पिस्टल की कीमत लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये और रिवॉल्वर 35 से 40 हज़ार रुपये में ये लोग सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो तमंचा है वो 5 से 6 हज़ार रुपये में ये लोग बेचते हैं। इन्होंने पूछताछ में एक और अभियुक्त के बारे में जानकारी दी है जो इनके साथ इसी अवैध धंधे में संलिप्त है और वह अभी फरार है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से एक पिस्टल जो बरामद है वह नोएडा से कहीं थाने से संबंधित है, जो वहाँ से चोरी बताई जा रही है, और एक और रिवॉल्वर है जिसको ऐसा लग रहा है उसका जो सीरियल नंबर है वो उसको खरोचा गया है। उसकी FSL से विधिवत जांच करा करके इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें टीम है, इसमें हमारी स्वॉट टीम एवं बाबूगढ़ पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। देखिए, बाबूगढ़ के क्षेत्र में कन्या कल्याणपुर एक इलाका है, वहाँ के जंगल में फैक्ट्री में निर्माण हो रहा था इन अवैध असलों का। और इसमें जो ये अवैध असले हैं, मैंने जैसा बताया, हमारे आसपास के जनपद गाजियाबाद, दिल्ली NCR, मेरठ, बुलंदशहर, यहाँ ये लोग सप्लाई करते थे। इनके पास से कुछ और भी रिकॉर्ड ऐसे बरामद हुए जो ये ऑन डिमांड ये असला को सप्लाई किया करते थे। बिल्कुल कोई भी अवैध असला है, वे किसी भी चुनाव से पहले उसका बरामद किया जाना बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसका उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और लूट, डकैती, चिनैती जैसे प्रकरणों में भी इन तरीके के अवैध असलों को बहुतायत संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है। जनपदीय SOG और थाना बाबूगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। माश ऑन डिमांड हथियार बनाकर सप्लाई करते हैं, जो कि गाजियाबाद और NCR आदि क्षेत्रों में ऑन डिमांड पिस्टल 45 से 50 हज़ार, अवैध तमंचे 5 हज़ार, पूनिया 15 से 20 हज़ार और रिवॉल्वर 35 से 40 हज़ार रुपये में बेचकर आर्थिक मुनाफा कमाते थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए बदमाश शातिर किस्म के हैं, जो कि गुंडा तत्वों को यह हथियार सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के विरुद्ध गाजियाबाद और हापुड़ में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार वाहिद के खिलाफ 5 तो साकिब के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।